प्रधानमंत्री के 40 मिनट के संबोधन का करीब 35 मिनट का हिस्सा विकास युवाओं पर केंद्रित रहा। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं एएसएम न्यूज। अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव का आगाज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शुभारंभ करने आए पीएम मोदी ने जालौन के कैथोरी से कर दिया। प्रधानमंत्री के 40 मिनट के संबोधन का करीब 35 मिनट का हिस्सा विकास युवाओं पर केंद्रित रहा। उन्होंने विकास को सामाजिक न्याय और इरादा मर्यादा के सिद्धांत से जोड़कर नई परिभाषा दी। साथ ही इस बात का भी इशारा किया है अगला चुनाव युवाओं के सहारे विकास के ही मुद्दे पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री से पूर्व मंच पर मौजूद वक्ताओं ने अपने संबोधन में इस बात का संकेत कर दिया कि 2024 के चुनाव का आगाज बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की शुरुआत से हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर भाजपा ने बुंदेलखंड को फिर से फतेह करने की तैयारी तेज कर दी है। बुंदेलखंड की चारों लोकसभा सीटें भाजपा के पास 2014 से हैं। फिर भी 2024 को लेकर भाजपा कोताही नहीं बरतना चाहती है। बुंदेलखंड की सभी 4 लोकसभा सीटों बांदा चित्रकूट, हमीरपुर महोबा, जालौन और झांसी ललितपुर में आने वाले 7 जिलों में 19 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 16 सीटों पर 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। आप क्या सोचते इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे है गौरव। धन्यवाद।